इस बड़े से ट्रैक्टर पर सवार ये दो लोग तालाब के इस किनारे से उस छोर तक जाना चाहते हैं। धीरे धीरे ट्रैक्टर को आगे खिसका रहे ये लोग क्या पानी से होते हुए उस पार पहुंच पाएंगे, देखते जाइए। पानी में उतरने के चंद सेकंड्स के अंदर ट्रैक्टर और उस पर सवार दोनों लोग पूरी तरह पानी के अंदर समा गए। कुछ सेकंड बाद दोनों के सिर दिखने शुरू हुए और चंद पलों में दोनों ट्रैक्टर सहित उस किनारे पर थे। तो क्या यह ट्रैक्टर पानी के अंदर डूबने के बाद भी चल रहा था? क्या वाकई ये संभव है कि ट्रैक्टर का इंजन पानी के अंदर भी चालू रहे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग इसे फेक बताते हुए इसे पूरी तरह खारिज कर रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि ये वाकई संभव है। सब कुछ विज्ञान नहीं होता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल इस ट्रैक्टर को दूसरे छोर पर दूर खड़े एक दूसरे वाहन के जरिए अंदर ही अंदर रस्सी से खींचा जा रहा था, जो दूर होने की वजह से वीडियो में साफ नजर नहीं आ रहा है। इस दलील में वाकई दम नजर आता है, क्योंकि ध्यान से देखिए, जैसे ही ट्रैक्टर पानी के अंदर जाता है, ये शख्स एग्जॉस्ट पाइप पर हाथ रख लेता है ताकि पानी अंदर ना जा पाए और किनारे पहुंचने पर ट्रैक्टर को फिर से स्टार्ट किया जा सके। बहरहाल वायरल हो रहा ये वीडियो केनिया का बताया जा रहा है और वीडियो में दिख रहे लोग किसान हैं। ट्रैक्टर चाहे कैसे भी उस पार पहुंचा हो, लेकिन इन लोगों के साहस की तारीफ करना तो बनता है। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज में कीबती दा कर रहा हूं। ईश्वर की प्रशंसा में गीत गा रहे इस मासूम बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत देखा जा रहा है। सुनिए इस बच्चे की आवाज आपके दिल में भी उतर जाएगी। तो जो चाहे तो बन जाएगी से मात, मेरी सजदों की क्या है हकीकत, तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का देखा नजारा, अलमदत के मैंने पुकारा, मुझको अपनी पाना हो मैं रखना, बस यही इंतजार कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज में की